मसाला लेता। ईद मिलन समारोह में मुशायरा खलिया आनंद काफिला परिवार की ओर से रविवार को आमेर स्थित ठाटर रोड द ब्राइट स्कूल में ईद मिलन समारोह से मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सब ने एक दूसरे को ईद मुबारक दी। वक्ताओं ने मुशायरा व कवि की सरिता बहाकर सबको ओतप्रोत कर दिया। सभी आए हुए अतिथियों ने इस आयोजन का खूब आनंद उठाया। ये प्रोग्राम रखने का मकसद ये था कि हम सब पत्रकारों को इकट्ठा करके बहुत इस माहौल में दूरी बढ़ गई है उस दूरी को कम करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे बहुत से लोग नहीं आ पाए हैं और जो आ गए हैं उन्हें फिर मैं मुबारकबाद देता हूँ। और सदर साहब तमाम हमारे यहाँ भाई बैठे हैं इन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जो इतनी मुझे यहाँ दिख रहा है लोगों को मैं बहुत बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ। एक मतला और दो शेर और एक मकला पेश करने की जरूरत है। मोहब्बत के सजाए रखना लाख कांटे तेरी राहों में वो बोए अरशद ख्वाबों आँखों में मोहब्बत के सजाए रखना। असल में ईद और दिवाली ये दो त्यौहार ये हैं मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों और लेकिन ईद मिलन समारोह की अगर बात की गई तो फिर कब है। ये ऐसा प्रोग्राम है ऐसी मोहब्बतों का ऐसे प्यार का ऐसे दीवाना प्रोग्राम है जो अपने आप में एक तो बहुत प्यारा बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है। और यह भारतीय जो संस्कृति है हमारी वो हम लोगों को एकता दिखाती है हमें इत्तेफाक दिखाती है हमें इस बहाने एक करती है वो ईद वाला हो या जैसे हो दिवाली हो। और जो हमारे जो डॉक्टर साहब और आशा साहब जो यहाँ पे इस महफिल में खसूसी बने और ईद मिलन के अंदर जो पॉलिटिक्स प्रोग्राम तो हिंदी किताब से ज़्यादा वादे की जाए इन दोनों का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हमारे दीदी साहब ने भी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी शायरी की है बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत शुक्रिया हमें भी आपने और आपने याद करा और सब लोग आए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू मच। आज के कार्यक्रम की सदारत कर रहे सदर साहब सबसे पहले तो मैं तो इनके फन से रूबरू ही नहीं था। अरशद वारसी जी के इतनी अजल कहते हैं इतने अच्छे तरुण उनमें कहते हैं तो एक तो उनको भी उससे वाकिफ हुआ आज तो इस काम की इस समारोह की उपलब्धि हो गई। सबसे पहले ऐसे समारोह आजकल इसलिए ज़रूरी है ना कोई ज़्यादा भाषणबाजी जो अपने सूचना देने के लिए उसका बुनियाद कि आज जब पूरे देश का भरोसा टूट रहा है लोगों और जब भरोसों का कायम रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम बहुत ज़रूरी हैं। और इससे भी आगे बढ़कर हम तो ये कह सकते हैं कि दिवाली तुम मनाओ कि दिवाली तुम मनाओ तो ईद हम मनाएं आओ ऐसा मुल्क मनाए क्या बात है। ये सबको पता है आज आदमी हर आदमी रोटी खाता है कोई क्या हो रहा है कौन किस तरह से बात कर रहा है कोई किस तरह से किसको धोखा दे रहा है कोई किस तरह से किसको टॉर्चर कर रहा है ये किसी पे लांछन लगाने की जरूरत नहीं। मेरी तरफ से आप लोग सब जानते हैं क्योंकि आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं और फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि जहां से दुनिया की सोच खत्म होती है पत्रकार की सोच वहां से शुरू होती है और होनी चाहिए वहीं से शुरू। और मैं इसका मकसद जो है आपस में भाईचारा इत्तेफाक मोहब्बत देश को एकजुट होकर के रखना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों का एक जगह होना सब में प्यार और मोहब्बत होना का मकसद है। इस तरह के प्रोग्राम जो कि ईद वाला भी है और दिवाली वाला है जो प्रोग्राम होते हैं वो भी इसी तरीके के प्रोग्राम होते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और खुशी वाला प्रोग्राम रहा। बस हम सब लोगों में भारतवासियों में इत्तेफाक हो मोहब्बत हो प्यार हो ये हम सब चाहते हैं।
आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है, हिंदू मुस्लिम का एकता है और ईद के उपलक्ष्य में बहुत ही अच्छा ये सम्मेलन हुआ है और इसमें सबसे बड़ा योगदान अब्बासी जी का देंगे, वारसी जी जो मतलब उन्होंने ये अच्छा कार्यक्रम किए और इस एरिया में पहली बार हुआ है ये कार्यक्रम। इसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे संदेश भी जाता है जो हम लोग एक हैं और इस तरह से एकता से हमने देश को आगे बढ़ाया। कविता मिश्रा, श्रीमती कविता मिश्रा, प्रिंसिपल दी ब्राइट चिल्ड्रन। मिलन समारोह सब इस क्षेत्र में पहली बार हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ अरशद वारसी जी का, उन्होंने जिस तरंगों में जो ये संदेश दिया है कि सभी लोग धर्म कर्म से ऊपर इंसानियत का धर्म है और इस देश में ईद और दिवाली अपने महत्व के दो जैसे दूर होते हैं उत्तर और दक्षिण, उसी तरह से ये हमने भारत में धर्म निरपेक्षता के लिए ईद और दिवाली मिलन समारोह होते रहने चाहिए और इससे जो है लोगों जो दिलों में फर्क आया है वो दूर होगा और मिलकर आगे बढ़ेंगे देश को आगे आज काफिला परिवार की तरफ से ईद मिलन का समारोह जो किया गया वास्तव में बहुत अच्छा समारोह रहा और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि ईद के रूप में यहाँ पर जो जो लोग भी आमंत्रित रहे समारोह में बहुत अच्छे लोग थे, बड़े अच्छे तरीके से इसको संभाला गया, बहुत प्रोग्राम बहुत शानदार रहा और मैं तो कहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए और आपको मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो ईद है वो मुसलमानों का प्रोग्राम नहीं होकर अब हिंदुओं का प्रोग्राम बन जाना चाहिए, ये मेरी सबसे बड़ा इंतजार है। आज ईद मिलन समारोह, आज ईद मिलन समारोह है जिसमें आप सभी लोग यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जो पत्रकार दीपकाली हैं और जो आए हुए मेहमान हैं खुशी मेहमान और उनका आने की बहुत बहुत दूर से जो लोग आए हुए ईद में समारोह में ईद मिलन समारोह के अंदर मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं काफिला परिवार की तरफ से भी उनको बधाई देता हूँ कि काफिला परिवार के जनाब अरशद वारसी साहब ने और जनाब सादिक साहब ने और जितने भी पत्रकार हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत